दोस्तों पूरा एक दशक बीत चुका है पर आज भी बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत है जो सभी सुख सुविधाओं से लैस मानो एक अलग ही दुनिया है जहां लोग अपने बेहिसाब पैसे को पानी की तरह बहाने के लिए आते हैं। यूं तो इस गगनचुंबी इमारत को प्रवासी मजदूरों ने ही अपने खून पसीने से कड़ी मेहनत से खड़ा किया है, लेकिन दुबई की शान बुर्ज खलीफा का दरवाजा आज सिर्फ यहाँ के अमीरजादों के लिए ही खुला है। अब अगर वो मजदूर चाहे भी तो अंदर घूमने नहीं जा सकते क्योंकि बस इस इमारत में घूमने के लिए ही उन्हें 1,00,000 रुपए तक का टिकट लेना पड़ सकता है। तो चलिए आज फैक्टिफाइड के इस सफर में हम जानते हैं दुनिया की इस सबसे ऊंची इमारत की कुछ अनसुनी सच्चाइयाँ जिसके बारे में शायद आपने भी पहले कभी ना सुना हो। Facts on your face. दोस्तों बुर्ज खलीफा वो इमारत है जिस पर चढ़ने के बाद अगर आपको बादल देखने हैं तो ऊपर नहीं बल्कि नीचे देखना होगा, और ये देखने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसे बनाया कैसे होगा। नंबर 9, स्लेव माइग्रेंट लेबर। कुछ दशक पहले एक समय था जब दुबई एक खाली मैदान की तरह था, पर देखते ही देखते वह गगनचुंबी इमारतें लहलहाने लगी। पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये मुमकिन हुआ कैसे। दोस्तों ये मुमकिन हुआ दुबई के बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों की मदद से, जिन्हें पाकिस्तान, नेपाल, भारत, श्रीलंका व बांग्लादेश जैसे देशों से बेहतर रोजगार की तलाश में दुबई बुलाया जाता था, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के उनके पासपोर्ट तक जब्त किए जाते थे ताकि वो बीच में काम छोड़ने की न सोचे। फिर न रहने के लिए ढंग का घर दिया जाता था और न पीने के लिए साफ पानी। एक छोटे से कमरे में 10-10 मजदूरों को रहने के लिए जगह दी जाती थी और फिर दुबई की चिलचिलाती धूप में उनसे 12-15 घंटे काम करवाया जाता था। कुछ ऐसी ही कहानी है दुबई की हर बड़ी इमारत के बनने के पीछे की। और दोस्तों बुर्ज खलीफा के मजदूरों की बात करें तो उनका मेहनताना भी बहुत कम था, और अगर कोई गलती हुई तो जुर्माना अलग। दोस्तों इस गगनचुंबी इमारत को बनाते हुए न जाने कितने ही मजदूरों की जान चली गई, पर आधिकारिक तौर पर सिर्फ 4 मजदूरों के मरने की बात मानी गई। नंबर 8, ग्लास कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। दोस्तों बुर्ज खलीफा अंदर से तो स्टील और कंक्रीट का बना है, लेकिन बाहर से इस पर ग्लास इंस्टॉल करना था। लेकिन साधारण शीशे को लगाने से अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच जाता और उसे हीट को कंट्रोल करने में 10 गुना ज्यादा पावर खर्च होती। इसीलिए इंजीनियर्स ने खास इस इमारत के लिए ही एक स्पेशल ग्लास का निर्माण किया जो पूरी बिल्डिंग में इंस्टॉल किया गया, जो काफी हद तक हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों इस ग्लास को बनाने और इंस्टॉल करने में काफी खर्च आया और सिर्फ इस एक काम में ही अरबों खर्च हो गए। इस बिल्डिंग के चारों तरफ का ग्लास एरिया 1,20,000 स्क्वायर मीटर का है, जिसे सिर्फ साफ करने के लिए ही 36 लोगों की टीम को 3 महीने लगते हैं, और इसे किसी मशीन से नहीं बल्कि सफाई करने वाले अपनी जान को खतरे में डालकर हार्नेस और रस्सियों से लटक कर करते हैं। इस तरह लिफ्ट क्लीनिंग और इंटरनल मेंटेनेंस को देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर साल सिर्फ मेंटेनेंस पर ही बुर्ज खलीफा करोड़ों खर्च करता है। नंबर 7, टॉप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। दोस्तों बुर्ज खलीफा अपनी हाइट के कारण खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, लेकिन बुर्ज खलीफा के अंदर भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई हैं और पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का सेंटर बन चुकी हैं, जैसे कि मोस्ट नंबर ऑफ फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग, टॉलेस्ट एलिवेटर इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट रेस्टोरेंट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, हाईएस्ट नाइट क्लब, और सतह से सबसे ऊंची जगह पर बनी मस्जिद भी। दोस्तों वैसे तो इस आलिशान इमारत में शाहरुख खान जैसे कई फिल्मी स्टार्स के अपार्टमेंट हैं, पर केरल में जन्मे जॉर्ज वी नेरी ने बुर्ज खलीफा में 22 अपार्टमेंट्स खरीद कर एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया है। है ना कमाल दोस्तों, वैसे इंडियंस हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 6, एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स। दोस्तों बुर्ज खलीफा के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको नहीं मिले। घर, ऑफिस से लेकर होटल्स और नाइट क्लब्स इसमें शामिल है, और तो और यहाँ टूरिस्ट प्लेस की तरह लोग घूमने भी आते हैं, वो भी हजारों की टिकट खरीद कर। और अगर आप भी यहाँ की लेविश लाइफ का मजा लेना चाहते हैं तो अपना बैंक बैलेंस अच्छे से अपडेट कर लें, क्योंकि यहाँ के होटल्स में एक रात बिताने का खर्च भी लाखों में आ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ लॉन्ग टर्म या फिर अपार्टमेंट खरीद कर रहना चाहते हैं तो डील करोड़ों अरबों में पहुँच सकती है। इसके साथ ही इस बिल्डिंग में सबसे एक्सपेंसिव अपार्टमेंट की कीमत अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ बुर्ज खलीफा का सबसे एक्सपेंसिव पेंटहाउस अपार्टमेंट है बल्कि पूरे दुबई का सबसे महंगा अपार्टमेंट है,
जिसकी कीमत 10,20,00,000 दिरहम है, यानी कि भारतीय रुपए में इसकी कीमत 205,29,00,000 रुपए है। जी हाँ, नंबर 5, सीवर वेस्ट। दोस्तों कहते हैं 160 मंजिला इस इमारत की 160 कहानियां भी हैं, लेकिन इस बात को यहीं छोड़ते हैं और बात करते हैं इस बिल्डिंग की पीपल होल्डिंग कैपेसिटी की। तो दोस्तों इस अकेली बिल्डिंग में ही 35,000 लोग आ सकते हैं, और बता दूं यहाँ रहने वाले हजारों लोग हर दिन 7 टन से ज्यादा पूप वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और अगर इसमें वाटर वेस्टेज को मिला दिया जाए जिसमें नहाना धोना सब शामिल है, तो इस वेस्ट का वेट 7 टन से बढ़कर 15 टन हो जाता है। और बुर्ज खलीफा का अपना कोई सीवर सिस्टम नहीं है, इसीलिए इस सारे वेस्ट को ट्रक के जरिए रोजाना सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। बुर्ज खलीफा और दुबई की ऐसी कई इमारतों के बाद आप ट्रक्स की इस लंबी कतार को देख सकते हैं, जो और कुछ नहीं आपका मैला उठा रही है। नंबर 4, LED लाइट शो। दोस्तों दुनिया भर में कई लंबी लंबी इमारतें हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जितनी एक्टिव बुर्ज खलीफा की ये इमारत है उतनी कोई भी नहीं। ये अपने खास LED शोज के कारण हमेशा सोशल मीडिया पर आती रहती है। कभी उस पर शाहरुख खान को बर्थडे विश किया जाता है, तो कभी उस पर अवेंजर मूवी का ट्रेलर चलता है। लेकिन दोस्तों क्या आप सोचते हैं कि इसे सिर्फ मजे के लिए चला दिया जाता है? तो बिल्कुल नहीं। कभी कभी बुर्ज खलीफा पर किसी के सम्मान में शो चलाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी को इस पर अपनी एडवर्टाइजमेंट करवानी हो तो उसे इसके लिए भारी रकम चुकानी पड़ती है। अगर आपको यहाँ 3 मिनट का एड चलाना है तो आपको इसके लिए 50,00,000 रुपए देने होंगे। और दोस्तों अगर बात इन सभी LEDs को जलाने की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की करें, तो वो 50 MVA तक जाता है, जो एक साथ 500,000 100 वाट के बल्ब जलाने के बराबर है। नंबर 3, आर्किटेक्चर एंड आर्ट कलेक्शन। दोस्तों इस बिल्डिंग की लंबाई की बात करें तो ये बिल्डिंग साफ दिनों में 95 किलोमीटर दूर से भी दिख जाती है, लेकिन अगर इस इमारत को ऊपर की ओर से देखा जाए तो ये किसी फूल की तरह दिखती है, क्योंकि इस बिल्डिंग का डिजाइन एड्रियन स्मिथ नाम के आर्किटेक्ट ने स्पाइडर लिली नाम के फूल के डिजाइन से इंस्पायर होकर बनाया था। लेकिन दोस्तों बुर्ज खलीफा सिर्फ एक लंबी इमारत ही नहीं बल्कि बेशकीमती आर्ट कलेक्शन का घर भी है, जिसके अंदर जाने माने हजारों आर्टिस्ट की आर्ट कलेक्शन सजी हुई है। और ये सारा आर्ट बुर्ज खलीफा की शान में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ टॉप। दोस्तों बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर का तापमान नीचे के मुकाबले 10 डिग्री तक कम होता है, और आपको तो पता ही होगा जब नीचे की सतह गर्म और ऊपर की ठंडी होती है तब तेज हवा चलने पर बवंडर बनता है जो तबाही मचा सकता है। ये सवाल दुनिया की इस सबसे लंबी बिल्डिंग को लेकर कई बार उठे, क्या बिल्डिंग के नीचे का तापमान गर्म और ऊपर का ठंडा होने की वजह से बिल्डिंग के अंदर बवंडर का खतरा बन सकता है? लेकिन दोस्तों इंजीनियर्स की माने कोई ऐसा एयर पासिंग गैप छोड़ा ही नहीं गया जिससे ये खतरा पैदा हो सके। इसके अलावा एक और मजेदार बात ये है कि जो लोग बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर रहते हैं उनके लिए सूरज देर से डूबता है, जिस वजह से वे रमजान में रोजा भी थोड़ी देरी से खोलते हैं। नंबर 1, टफनेस ऑफ बुर्ज खलीफा। दोस्तों स्टील और कॉन्क्रीट से बने बुर्ज खलीफा का अगर वजन किया जाए तो ये 5,00,000 टन यानी कि 1,00,000 हाथियों के वजन के बराबर है, मतलब बुर्ज खलीफा में लाखों हाथियों का दम है। अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर कोई सिरफिरा इसके ऊपर हमला कर दे तो क्या होगा, या फिर अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह यहाँ भी हमला हुआ तो इसका क्या होगा? तो दोस्तों आपको बता दूं कि दुबई स्थित बुर्ज खलीफा में सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। अगर इस इमारत पर हमला करना इम्पॉसिबल नहीं तो बेहद मुश्किल तो है ही। रही बात किसी प्लेन से हमले की, तो बुर्ज खलीफा की मजबूती इतनी ज्यादा है कि उसे कुछ खास नुकसान नहीं होगा। उनके आधे से ज्यादा लिफ्ट्स भी इस तरह से डिजाइन की गई है कि उसे इमरजेंसी सिचुएशन में भी बिना रुकावट के इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही हर 25 से 30 फ्लोर पर एक फ्लोर ऐसा है जहां इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को इवैक्यूएट किया जा सकता है। बुर्ज खलीफा सबसे बड़ी इमारत होने के साथ साथ दुनिया की एक सबसे सुरक्षित इमारत भी है, जिसे 1.5 बिलियन US डॉलर्स यानी कि 11,250 करोड़ की लागत में बनाया गया था। अब दोस्तों इस पर पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि इस इमारत की उम्र 75 से 100 वर्ष तक की ही होगी, और बहुत जल्द बुर्ज खलीफा के सर से सबसे ऊंची इमारत होने का ताज भी छिनने वाला है। तो बुर्ज खलीफा के आज के इस सफर में फिलहाल इतना ही।
आपको आज के ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताना ना भूलना। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।